झलक दिखला जा एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें हर हफ्ते यू नो मैं कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि आगे के परफॉर्मेंसेज भी जो है वो लोगों को पसंद आए, क्योंकि आगे बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क आ रहे हैं। इस हफ्ते भी मैं जो नए डांस फॉर्म का प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए, बट फिर भी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। सो आई जस्ट होप जजेस को और जितने भी जनता है उनको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आए। आई एम नॉट वॉचिंग दी एपिसोड्स बिकॉज ऑफ झलक दिखला जा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, बिकॉज हम लोग 7-8 घंटे दिन में रिहर्स करते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट, तो घर पे टीवी देखने का ही टाइम नहीं मिलता। सो आई हैव नो क्लू। सऊदी पास नवरात्रि भी आ रही है, क्या कुछ तैयारियां आपने की है? बिकॉज लास्ट 2 इयर्स से हमने देखा कि सभी माहौल बहुत ठंडा था, लेकिन right. इस बार तो मुझे लगता है मेरी नवरात्रि तो झलक दिखला जा के सेट पे ही मनने वाली है, और आई होप कि हमें सबको साथ में गरबा करने का भी मौका मिले, क्योंकि उसके अलावा आई डोंट थिंक कि हम लोग कहीं जा पाएंगे, बट आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि घर के आसपास भी नवरात्रि के यू नो फंक्शंस हो रहे हैं और मुझे उसका पता अभी से चल चुका है, इन्वाइट्स आ चुके हैं। सो अगर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ये नवरात्रि सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि हम 2 साल से मिस कर रहे हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट इट विद ऑल द जॉय एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। राइट, भाविन इज़ अ सुपर टैलेंटेड गाय और भाविन की ये फर्स्ट फिल्म एज अ लीड, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। और भाविन की जर्नी में बहुत पहले से देखता आया हूँ, इवन फॉर टेलीविजन एंड वेब सीरीज़ जो उसने काम किया है टेलीविजन और वेब सीरीज़ में, तो मैं जब भी कोई प्रोडक्शन हाउस में जाता था तो मुझे भाविन का रेफरेंस दिया जाता था, दैट इज़ एन अमेजिंग एक्टर। और कई बार ऐसा होता था कि भाविन की मुझे रेफरेंस वीडियोज़ भी दिखाई जाती थी कि यू नो वी वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। तो मैं तब से भाविन को जानता हूँ और मैं तब से यू नो भाविन को मोटिवेट करता रहता हूँ, इनफैक्ट मैं उसको कहता रहता हूँ कि यू आर अ फैबुलस एक्टर, और उसने अपने लिए यू नो बहुत अच्छा मकाम खड़ा किया हुआ है, वेदर दैट्स अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और अ मूवी और अ वेब सीरीज, ही हैज डन एवरीथिंग। सो आई एम जस्ट विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, एंड ये मेरी बेस्ट फिल्म रॉक इन द थिएटर्स और बॉक्स ऑफिस में भी सुपर हिट हो, एंड हम लोग तो यहाँ पे भाविन के लिए आए हुए हैं। एंड ऑल्सो देयर इज विजेंद्र काला इन दिस फिल्म, तो वो भी यू नो बहुत ही प्यारे इंसान है, उन्हें भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ये फिल्म बहुत अच्छा करे और हम लोग बस साथ में ये फिल्म देखना चाहते थे, दैट इज द रीजन आई एम हियर। डबल काम हो गया।